हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपका चैनल अगर रीयूज्ड कंटेंट में है, फिर भी जो चीज़ें बता दूंगा एक बार कर लोगे, चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। लेकिन अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो ना, तो आज की ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। और एक चैनल पर फुल, जिसको बोलते हैं फुल मतलब रीयूज्ड कंटेंट से भरा हुआ था, लेकिन चैनल मोनेटाइज कितने दिन में हुआ? एक दिन में। आज 26 अगस्त है, इनका चैनल 25 अगस्त को ओपन हुआ था मोनेटाइजेशन के लिए भेजा, और 12 घंटे के अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया है। तुम सोच रहे हो सर क्या मजाक है, रोज एक नई वीडियो बनाकर बताते हो, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे होगा ये बताओ। तो तुम्हें जो चीज़ें बता रहा हूँ इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देख लेना, तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हारा चैनल रीयूज्ड कंटेंट से सफ़र कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ें रीयूज्ड कंटेंट होती हैं, मैं बार बार इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रीयूज्ड कंटेंट बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारे चैनल पर 4000 घंटे कंप्लीट हुए, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, कम्युनिटी गाइडलाइन कोई नहीं है, तुमने 2-स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद तुम्हारा चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है, और फिर तुम्हारा चैनल अगर रिजेक्ट हो जाए ना, बहुत बुरा लगता है। तो बहुत से चैनल अभी तक मोनेटाइज करवा चुका हूँ, मतलब कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि कितने चैनल मोनेटाइज हुए हैं, गिनती नहीं है। लेकिन ये हमारे पेड मेंबरशिप थे, तो इनके चैनल को भी हमने मोनेटाइज करवाया, इनको सजेस्ट प्रॉपर डिटेल में जानकारी दी है। तो अगर तुम्हें अपने चैनल को मोनेटाइज करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इनकेस अगर समझ में ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों मैं ओपन करता हूं एक भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट, और यहां पर अब तुम्हें दिखाता हूं। इन्होंने लिखा है कितना सर, 25 को। मैंने कहा और यस वेट करो, और आप कह रहे हैं 1 आवर के बाद बताता हूं, मैंने कहा था 1 आवर के बाद बताता हूं, फिर इनसे कहा वेट करो। तो इन्होंने कहा कितना सर, 25 को अप्लाई रीअप्लाई का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर इन्होंने वीडियो कॉल की, मैंने नहीं पिक किया। फिर उन्होंने एक वीडियो भेजा, पुनिया और कातिया का भयंकर कॉमेडी सीन। तो मैंने इनसे पूछा पुनिया कौन है, देखकर बताता हूँ। फिर इनसे मैंने पूछा आगे कि भैया पुनिया है कौन, ये पुनिया कौन है? तो इन्होंने कहा कहीं से वीडियो लिया है, एंड सभी वीडियो का थंबनेल में अपनी फ़ोटो लगाओ। हाँ वीडियो लिया गया है। मैंने इनसे बोला कि तुमने कहीं वीडियो लिया? इन्होंने कहा हाँ सर मैंने वीडियो लिया है। तो मैंने इनसे कहा अपनी वीडियो पर, तुम सभी वीडियो पर थंबनेल में अपना फ़ोटो लगाओ। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने लिखा ओके वो तो मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है वो करके, एंड जिस वीडियो में तुम नहीं हो वो वीडियो डिलीट कर देना मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद, उसके बाद अप्लाई कर दो। तो इन्होंने कहा ओके प्राइवेट कर दो वीडियो, मैं इस वीडियो में हूँ और सही, बट ओनली 7 सेकंड हूँ पूरे वीडियो में, तो क्या करूँ, डिलीट कर दूँ या प्राइवेट? मैंने कहा डिलीट। इनको बताया कि जिस वीडियो में तुम नहीं हो उस वीडियो को प्राइवेट मत करो, डिलीट कर दो, क्योंकि ये कॉमेडी की वीडियो बनाते हैं, थोड़ा मिक्सिंग करके वीडियो बनाते हैं, फनी वीडियो बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो तुम्हारे सामने, अब मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम देख लो 25 अगस्त को रीअप्लाई का डेट है, रीयूज्ड कंटेंट लिखा हुआ है तुम्हारे सामने यहाँ पर, ठीक है। अब ये चीज़ें तुमने देख ली, उसके बाद सर इसमें 25 को बोला हुआ है लेकिन अभी तक रीअप्लाई वाला ऑप्शन नहीं आया। मैंने इनको फिर बताया कि भैया वेट करो आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, मुझे पता है ना कि तो थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे काम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ओके सर, सर अभी सेंड कर दूं क्या मोनेटाइजेशन के लिए? जो आपने बोला था वो कर दिया सर। तो मैंने इनसे कहा जो जो मैंने बताया है वो कर दिया तो कि नहीं? इन्होंने कहा सर कर दिया है, मानो मेरी बात, जो आपने बोला था एकदम वही किया, एकदम सटीक चीजें की है, बस आप एक बार ये बोल दो कि भेज दो। तो मैंने इनको आगे बताया, मैंने इनसे कहा यस ओके भेज दो, और इनसे मैंने ये बोला कि अब तुम भेज दो। तो इन्होंने कहा ठीक है आपने चेक कर लिया? मैंने कहा यस, फिर कर दूं रिप्लाई? उसके बाद मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, बट इनको मैंने सारी चीजें बता दी थी कि भैया अब तुम भेज दो, यस यस मेरी तरफ से यस है। फिर इन्होंने क्या कहा कि सर अभी 11:27 पर इनका एक मैसेज आता है सुबह सुबह, और वहां पर लिखता है ऑन हो गया सर 12 घंटे के बाद। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और इनके चैनल का लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर विजिट करके देख लेना। इनके चैनल पर मैंने एक वीडियो बनवाया था जो कि इंट्रो वीडियो है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अभी दिखा देता हूँ। देखो ये वीडियो है, ये वीडियो तुम्हें स्क्रीनशॉट अब दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्ले करता हूँ
और इस वीडियो पर मैंने इनको बताया था कि तुम अपने चैनल पर एक वीडियो बनाओ जिसपे कि तुम अपना इंट्रो वीडियो डालोगे। तो इन्होंने कहा ठीक है सर, मैं बना लूंगा इंट्रो वीडियो अपना दूंगा। इनसे मैंने कहा कि अपने चैनल पर लास्ट वीडियो इंट्रो वाली होनी चाहिए, उस पर सारी डिटेल में जानकारी दोगे कि क्या क्या चीज़ें तुम अपने चैनल पर करते हो। इन्होंने कहा ठीक है सर, मैं कर दूंगा। और उसके बाद ये चैनल है फनी दीपू और भाई का चैनल हो गया है मोनेटाइज और दिन दूनी रात चौगुनी अब ये YouTube से पैसे कमाएं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोगों की मदद मैं कर पाता हूँ। दोस्तों इस सब मदद के पीछे सिर्फ आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है। आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते, रिप्लाई मैं देता हूं और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है जब आपके एक कमेंट कोई भी आता है तब भी, और जब 10 कमेंट आते हैं, 50 आते हैं तब भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब को चैलेंज कर सकता हूं दोस्तों कि जिस तरीके से मैं जो चीज़ें बताता हूं, अगर वो काम कोई करता है उसका चैनल डेफिनेटली मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो, एक बार में मोनेटाइज हो, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पर मैसेज करें, क्योंकि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी बीते कुछ दिन पहले हमने एक चैनल और मोनेटाइज करवाया जो कि अपने इंस्टाग्राम पर वहां पर पोस्ट डाल दी थी। इनसे भी लाइव चैट करूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर तुम्हारे चैनल पर एक जैसा थंबनेल है, उस थंबनेल को चेंज कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेंज कर देना, अपने चैनल का अबाउट चेंज कर लेना, उसमें अपने चैनल के बारे में लिखना, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल जरूर लगा देना, डिस्क्लेमर डाल देना, और हर सोशल मीडिया हैंडल के बाद अपने वीडियो का एक दो लिंक डाल देना, और ये ध्यान रखना कि किसी दूसरे का वीडियो ना यूज किया हो। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी जितनी भी रीयूज्ड कंटेंट की है, और आपका चैनल इन केस अगर मोनेटाइज नहीं हो रहा, जो चीज़ें बताई है आप कर लोगे, डेफिनेटली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और आपको किस टाइप पर वीडियो चाहिए, क्या आपकी प्रॉब्लम है जरूर बताना, और आपको इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं इस पर अगर वीडियो चाहिए तो जरूर बताना, मैं आपको एक वीडियो प्रॉपर बनाकर बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।